करनाल के इंद्री में संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती के अवसर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर इंद्री पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अशोक तंवर ने शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का उन्हें कोई गम नहीं है, अपितु खुशी ही है। कांग्रेस पार्टी में मेहनत, ईमानदारी व वफादारी की कोई कद्र नहीं है। तंवर ने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी का हाथ का जो निशान है, वो हमारे जैसे लोगों का गला काट कर ही बनाया गया निशान है। ये लोग मजदूरी हमारे से करवाते हैं और बाद में भ्रष्टाचारियों व पापियों के साथ में खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को आने वाला समय बताएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी सिस्टम में तानाशाही है, ये केवल दिखावटी रूप से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हमें संतों महात्माओं ने जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर समाज की भलाई के काम करने चाहिए। हमारे संतों महात्माओं ने जो शिक्षा व ज्ञान का प्रकाश फैलाया व संदेश दिया, उस पर अमल करना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि देश व समाज का उद्धार करने के लिए ही अपना भारत मोर्चा का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभाजनकारी व दमनकारी ताकतों के खिलाफ मोर्चाबंदी करना है। तंवर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि केवल एक मोर्चा है। इस मौके पर संत रविदास कमेटी के पदाधिकारियों ने अशोक तंवर को सिरोपा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये शोभा यात्रा गुरु रविदास मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। जगह जगह पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इंद्री में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की कल जयंती है और आज उनकी इस जयंती और प्रकट उत्सव के मौके पर शोभा यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी और इंद्री के हमारे सभी जो अनुयायी हैं संत रविदास जी को मानने वाले, वो हर साल ये भव्य कार्यक्रम करते हैं। भंडारा भी होता है, शोभा यात्रा भी होती है और कल जन्म जयंती का पर्व पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर हरियाणा के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया भी जाएगा। आज संत जी के चरणों में ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और इस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर बड़े बड़े महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने आकर के अपने शीश भी नवाए हैं और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद भी दिया है। जो बड़ा था उसने आशीर्वाद दिया, मेरे जैसा छोटा था उसने आशीर्वाद भी दिया। आज हम भी यहाँ पर आए हैं इंद्री के इस रविदास मंदिर प्रांगण में और मैं तो यही मानता हूँ कि जो संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, संतों ने रास्ता दिखाया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया और शिक्षा और ज्ञान के वजह से आज हम उनके अनुयायी बनकर उनके संदेश को भी और इस भारतवर्ष के लिए, समाज के लिए जो कर सकते हैं वो करने में जुटे हुए। नई पारी की शुरुआत भी आपने कल की है। नई पारी तो आप सब जानते हो, ये तो भारत के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको अपना बना करके, अपना मान करके, हर व्यक्ति को 130 करोड़ लोगों को जब हम काम करेंगे तभी देश का उद्धार होगा। इसीलिए उसका नाम ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का अपना भारत मोर्चा है। तो ये किसी एक का नहीं है, सबका है और उसी भारत मोर्चे में हम सब लोग मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। किसान, गरीब, मजदूर, हमारे कर्मचारी, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, हर वर्ग की आवाज़ को उठाते हुए हम दमनकारी ताकतों के खिलाफ, अत्याचारी ताकतों के खिलाफ, विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मोर्चेबंदी करेंगे। यही उद्देश्य है। ये मोर्चा है आपका या राजनीतिक दल है? अरे मोर्चा है ये तो, राजनीतिक दल तो हमें बहुत देख लिए। ये तो मोर्चा है संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और बाकी तो लोग, मैं समझता हूँ कि ये तो सच्चाई है कि विकल्प चाहते हैं, देश के अंदर भी चाहते हैं, प्रदेश के अंदर भी चाहते हैं, दल भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो वो बहुत दूर है मामला, पहले तो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी और हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे और नौजवान साथी लड़ेंगे और मिल करके
तमाम उन ताकतों का जो देश को नोचने में लगी हुई है, खोखला करने में लगी हुई है, कमज़ोर करने में लगी हुई है, उसका हम मुकाबला करेंगे। और संत जी से हम तो यही उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे, इतनी हमें सद्बुद्धि दे कि हम ठीक रास्ते पर चलते हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान दें, सबकी भलाई के लिए प्रयास करें। आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कोई गम है, रंज है? नहीं, मैं तो खुश हूँ जिस दिन से छोटी है, इसलिए छोटी है, वहाँ मेहनत, ईमानदारी, वफादारी की कोई कदर ही नहीं है। ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, जो दिखता है, ये मेरे जैसे इन जैसे लोगों का काट काट करके वो सिंबल बनाया हुआ है। ये मजदूरी हमारे से करवाते हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, पापियों के साथ खड़े हो जाते हैं, इसीलिए समय बताएगा बाकी। तो आज तो हम गुरुजी के चरणों में यही कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? वो सब समझ में उनका आता है, जिनके समझ में, मेरे को देरी से समझ में आया, 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, और जिनके अब समझ में नहीं आता उनके आगे आ जाएगा कि वहाँ तो ख़त्म है मामला। अच्छा। बिल्कुल ख़त्म है, वो दिख नहीं रहा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि भाई अर्जुन धनुष उठा, वो सेना तो मारी पड़ी है, वो सामने से मरे पड़े हैं। तो ऐसे ही मेरे को ये रोज सारे जितने लोग हैं सारे मरे हुए दिखते हैं। ये किसान आंदोलन से तो काफ़ी खुश हो नजर आ रहे हैं कांग्रेस से, क्या मामला? देखिए, वो खुश इसलिए आ रहे हैं कि बिल उन्होंने पास करवाया राज्यसभा में, जितने ये सारे बिल हैं ये कौन पास करवाते हैं? यही तो पास करवाते हैं पूंजीपतियों से साठ गांठ करके, उनकी मदद करते हैं देश को। किसानों के साथ खड़े क्या नकली काम कर रहे हैं? कहाँ खड़े हैं वो किसानों के साथ? किसानों के साथ खड़े होते तो किसानों की जगह मोर्चा उनका होता। किसान तो वोट दे देता है, मजदूर वोट दे देता है, आमजन वोट दे देता है, ये सोच करके कि ये लोग संसद और विधानसभाओं में हमारी लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ये कहाँ उठा रहे हैं? इसीलिए तो आज मजबूरी में पंजाब, राजस्थान, पूरा देश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उनको बॉर्डर और मोर्चे संभालने पड़ रहे हैं देश के अलग अलग कोने में। ये काम उनका नहीं था, ये विपक्ष का काम था जिसको उन्होंने नहीं निभाया। हमारा जब टाइम था, जब मैं अध्यक्ष था 6 साल, तो हमने कभी उस तरीके से लोगों को निकलने ही नहीं दिया। हम पहले मोर्चे पे हम जाते थे, और अब लोग जो है घरों में बैठ करके केवल बयानबाजी में राजनीति कर रहे हैं। तो ये बयानबाजी से कुछ नहीं। अपने अंदर की आवाज़ तो उठा नहीं सकते, अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र खत्म है, तानाशाही अंदर है, तो सिस्टम के अंदर खुद पहले बहुत गिरावट आई हुई है, कभी फिर बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक